बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बनाएंगे आज हम अपनी मीठी रोटी, क्योंकि हमारे बारिश हुई है माशाल्लाह 2-3 महीने बाद, और विद ओला ओले आए। वैसे तो अल्लाह का शुक्र है कोई ऐसा ख़ास नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अच्छा सा मौसम है तो मीठी रोटी बनाते हैं। उसके लिए लेते हैं हम बादाम, और ये हमारी हरी इलायची के दाने निकाल के पीस लिए हैं। तिल सौंफ हमने पीस ली है, ये हमने हरी इलायची के वो निकाले थे, इसका कुछ नहीं करना है, ठीक है। इसके लिए लिया है आटा, लगभग 2 कटोरी हमारा आटा है। हमने आटे में कम से कम 1 मुट्ठी के बराबर ये अपनी सूजी मिलानी है। और इसमें 100 ग्राम के करीब दही मिलानी है। ओए सॉरी, नज़र नहीं आ रहा मैं भी ऐसे देख रही थी ना दही। ये हमारी दही है 100 ग्राम के करीब। ये हम थोड़ा सा मैदा लेंगे, इसको हम इसमें छान लेंगे, ठीक है। छानने के बाद आपको दिखाते हैं। अपना छान लिया है मैदा, लगभग ये 1.5 कटोरी होगा, और 1 मुट्ठी के बराबर हमने सूजी लिया, दही लिया, और आपका वो लिया सब समझ जाइए आप। और ये सब हम अब इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसमें ये सब सौंफ, तिल और बादाम, शडाम सब हम इसमें ऐड कर देते हैं। अपने इसमें डालते हैं हम अपना थोड़ा सा ऑयल, आप कोई सा भी डाल सकते हैं, देसी घी हो तो बहुत अच्छी बात है। फ़िलहाल हमारा हमेशा की तरह टाइम पे चीज़ें ख़त्म मिल हो जाती जब जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है ना वो हमारे पास नहीं रहती है। एज़ यूजल हर घर की कहानी है ना दोस्तों, तब घर की कहानी यही होती है। अब भी मैं तिल ढूंढ के लाई हूँ, बारिश में नहीं मिल रहे थे। और भाई आपका एक और चीज़ लाई हूँ, आम का अचार, जबकि मैं आम का अचार नहीं खाती, लेकिन ये मीठी रोटी हमें आम के अचार से ही अच्छी लगती है। दिखाना बेटा आम का अचार, पीछे रखा है। हमारी लाइट गई है, हमारे बच्चे को नज़र नहीं आ रहा है, ब्लास्ट हो रहा है बारिश की वजह से। इतना ढूंढने पे ये मिला है मुझे, इतना मुन्ना सा आम का अचार, देखना ये बस 10 रुपये का मिला है। मैंने कहा चलो हमें तो आज का ही काम चलाना है, तो ये हम मुन्ना से अपना लेके आए खरीद के। और बारिश ऐसी हुई है ज़बरदस्त कि लाइट ने ना ब्लास्ट हो रहा है, बस पूरे खम्भों में सब पे पता नहीं क्या हुआ है। तो हम अंधेरे में आपको आज पका के दिखाएंगे, तो हमारी अंधेरे वाली मीठी रोटी खा के बताइएगा कैसी बनी है। उसी चीनी अपनी घोल लेंगे पानी में, बहुत थोड़े से पानी में 1 कटोरी चीनी। सब मिला लिया है आपका, इसको अच्छे से मिलाना है, मैश करना है सबको आपस में, डाल दिया है मतलब। और अब मिलाना है, बच्चे मेरी शक्ल देखते हैं कि मम्मी गलत बोल रही हैं। इसको बहुत अच्छे से इतना मिला दो कि ये लड्डू बन जाए सब एक दूसरे में बन के। उसके बाद हम पानी अपना ऐड करेंगे और इसे गूंद देंगे। ये हमारा अच्छे से सब चीज़ें मिल गई, देखो अच्छे से इसका लड्डू बन गया है। अभी हम इसमें अपना पानी करेंगे ऐड, और इसको गूंदने के बाद आपको हम दिखाएंगे, ठीक है दोस्तों। हम चीनी भी डालेंगे, भूल गई थी मैं दोस्तों, थोड़ी क्रिस्पी सी हो जाती है इससे और मुंह में आती तो अच्छी लगती है वो, बस थोड़ी सी डालेंगे क्योंकि मीठा पानी तो है ही हमारा, ठीक है। इनके पेड़े बना लिए हैं, अब इसको बेल लेना है अच्छा वाला। ये तो सभी प्रोसेसर जानते हैं कि हम अपना बेल लें उसको और अपना सेक लें। अभी इसकी सिकाई करेंगे, तेल में तलेंगे। आप चाहें तो रोटी बना सकते हैं, घी लगा सकते हैं, मैं पराठे बनाऊँगी इसके। लाइट गई है तो बिल्कुल अंधेरे में हम बना रहे हैं, देखिएगा आप। ये हमारा हमने डाल दिया था, उधर हमारी कैंडल्स जल रही हैं इधर से उधर बिल्कुल अंधेरे में, पता नहीं कैसे लग रही होंगी आपको, वीडियो भी कैसे आएगी पता नहीं। हमने पलट लिया है, और अभी हम इसमें अपना थोड़ा सा तेल डाल देंगे, इसका बना लेंगे हम पराठा। हमारा आउ हो गया है पराठा तैयार, माशाल्लाह अच्छा वाला लुक आया। शीर मालवीज के आगे फेल होता है,
ये घर की हमारी शीरमाली समझ लीजिए एक तरह से, लेकिन शीरमाला अलग तरीके से होता है। ये हमारा मीठा पराठा है, आप चाहो तो रोटी बना सकते हो, मैंने पहले कहा था घी लगा लीजिए इसमें। ये हमारा तवा क्यों स्लिप हो रहा है, वो आज बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है लाइट में, इसमें उसमें तवे में भी। चलिए ठीक है, ये देखो वाह कितना चश वाला हमारा फ्राई हुआ है, और अब हम ऐसे रखते हैं सर्व करने के लिए, और दो चार और बना के ये मैं खाऊंगी। माशाल्लाह से हमारी बन के तैयार हो गई हैं रोटियाँ, खाइए एंजॉय करिए अचार के साथ, कौरमे के साथ। अभी हम अचार के साथ खाएंगे, रात में कौरमे के साथ खाएंगे। कौरमा आपको हम दिखाएंगे उसके भी रेसिपी इंशाल्लाह। और दुआ में याद रखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और टिल देखिए। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।